हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का प्रैक्टिस सेट टू दे यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। कॉलम फर्स्ट में मेजर ऑफ द एंगल्स और सेकंड कॉलम में है कॉलम बी में टाइप ऑफ एंगल। तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल्स दिए गए हैं नंबर्स में और यहाँ पर एंगल्स दिए गए, तो हमें यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है। तो पहला 180 डिग्री। 180 डिग्री ये स्ट्रेट एंगल रहता है, तो हम 180 डिग्री को यहाँ पर स्ट्रेट एंगल को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। सेकंड है 240 डिग्री। 240 डिग्री ये रिफ्लेक्स एंगल रहता है। 180 डिग्री होकर एंगल्स हमारा यहाँ पर होता है, तो उसे हम 240 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। आगे है 360 डिग्री। 360 डिग्री ये कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। और जीरो एंगल, जीरो एंगल, जीरो एंगल होता है। इस तरह से हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। देखिए यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल बताए गए हैं 75 डिग्री। ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल रहता है, तो वो एक्यूट एंगल रहता है, मतलब 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से बिलो, मतलब 90 डिग्री से कम जो भी एंगल रहता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 डिग्री का एंगल रहता है जीरो एंगल। इसके बाद 250 डिग्री। 250 डिग्री ये एंगल 180 के ऊपर रहता है और 360 डिग्री के अंदर रहता है, तो इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यहाँ पर 360 डिग्री, 360 डिग्री ये एंगल है वो कंप्लीट एंगल रहता है। उसके बाद है 180 डिग्री। 180 डिग्री ये स्ट्रेट एंगल रहता है। 120 डिग्री ये ऑब्ट्यूस एंगल रहता है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री के ऊपर और 180 डिग्री के अंदर, 180 डिग्री तक, तो 120 डिग्री ये ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। इसके बाद 148 डिग्री, तो वो भी ऑब्ट्यूस एंगल ही हुआ। और आगे लास्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री ये राइट एंगल हुआ। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द फिगर्स एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। यहाँ पर ये जो फिगर दिखाई गई है, हमें यहाँ पर जो एंगल्स है उसके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, क्योंकि देखिए ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए एक्यूट एंगल बोलते हैं। सेकंड जो है वो राइट एंगल है, वो स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल आता है। इसके बाद थर्ड जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल से, ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब ये देखिए 90 डिग्री के आगे है और 180 डिग्री के अंदर है, तो उसे ऑप्टिस एंगल बोलते हैं। इसके बाद ये थर्ड फोर्थ नंबर का है वो है स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का रहता है, देखिए एक ही लाइन पर रहता है। उसके बाद ये जीरो एंगल है। जीरो एंगल मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद ये है कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल है मतलब देखिए यहाँ पर ये सर्कल पूरा होकर यहाँ पर एरो दिखाया गया है और एंगल पे एंगल के ऊपर एंगल दिखाया गया है, तो ये कंप्लीट एंगल हुआ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल और राइट एंगल एंड एन ऑप्टिस एंगल। देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है और उसके बाद राइट एंगल भी ड्रॉ करना है और ऑप्टिस एंगल भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 45 डिग्री का एक्यूट एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए पहले हम यहाँ पर ये लाइन, नीचे की लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं बीसी। ये लाइन हम यहाँ पर, हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया गया है इसलिए लाइन हम अपनी मर्जी से लेंगे, ठीक है। और ये जो 45 डिग्री मैंने लिया है, तो देखिए ये जो प्रोटेक्टर है इसका जो यहाँ का पॉइंट है वो यहाँ पर हम रखेंगे, बी पॉइंट पर रखेंगे इस तरह से, और ये लाइन यहाँ पर स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए इस लाइन से हम यहाँ पर जीरो से, अंदर से जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर निकाला है। एक्यूट एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री के अंदर रहता है। 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल आया यहाँ पे, इसके अंदर कोई भी एंगल आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, तो वो हुआ एक्यूट एंगल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर राइट एंगल निकालेंगे। तो राइट एंगल किस तरह से, देखिए राइट एंगल वो हमेशा कौन सा रहता है, राइट एंगल 90 डिग्री का ही रहता है। तो नीचे की बेस के लाइन हम यहाँ पर खींच लेंगे पहले, और उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टर हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और करेक्ट यहाँ पर 90 डिग्री एंगल आता है, ठीक। उसके बाद थर्ड है ऑप्टिस एंगल। ऑप्टिस एंगल जो है वो ऑप्टिस एंगल 90 डिग्री के
90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम रहता है। तो हम यहाँ पर ऑप्टिस एंगल किस तरह से निकालेंगे, पहले देखिए स्केल से यहाँ पर नीचे की लाइन लेंगे, इस पॉइंट का हम नाम देंगे, और यहाँ पर बी पॉइंट पे हमने अगर इसे प्रोटेक्टर को रखा तो देखिए इस तरह से हम जीरो से स्टार्ट करके 90 डिग्री के ऊपर कोई भी एंगल लिख सकते हैं, 180 डिग्री के अंदर, ठीक है, 180 डिग्री के अंदर कोई भी एंगल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर लिया है जो 90 के अबव है और 180 के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑप्टिस एंगल यहाँ पर निकाला है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट टू जो है वो यहाँ पर सॉल्व किया है। आई होप ये जो हमारा वीडियो है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, समझ में आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट थर्ड में, ठीक है।